नमस्कार, स्वागत है आपका इस वक्त के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। तो यूपी में एसपी और बीजेपी गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है, जिसकी हवा गुलाम नबी आजाद ने ही निकाल दी। उन्होंने बयान दिया कि यूपी की सभी 80 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। यही नहीं, ऐसे गठबंधन से राष्ट्रीय दलों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह कहना है केंद्रीय इस्पात मंत्री बीरेंद्र सिंह का। वो रोहतक में मकर संक्रांति पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे और साथ ही उन्होंने जींद उपचुनाव में कांग्रेस के जरिए रणदीप सिंह सुरजेवाला को टिकट देने के फैसले को राहुल गांधी का सही फैसला बताया। हरियाणा कांग्रेस तो ऐसे व्यक्ति को टिकट दिलवाना चाहती थी जो कांग्रेसी ही नहीं है। केजरीवाल करो ना करो, मेरे को क्या लेना केजरीवाल से, क्योंकि सब गांव के पीछे पड़े हुए हैं। मेरे को क्या बताते हो आप केजरीवाल का? कोई मेरी बात हो तो पूछो यार। चौरी साहब 2019 का चुनाव है। हाँ, ये पूछो। चौरी साहब 2019 का चुनाव है। हाँ। और उत्तर प्रदेश में एक पहले मेरे को इसका जवाब दे दे। गायक मैंने, आपने मेरा यहाँ सुना है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। मैं मूक प्राणी की बात की है, केजरीवाल से पूछना फिर वो क्या कर रहे हैं। बीजेपी भी गाय पे राजनीति, मैंने गाय की कोई बीजेपी कोई राजनीति, ये आस्था का प्रश्न है। यानी अगर किसी की आस्था है, हमारी संस्कृति सभ्यता में गौ का एक स्थान है, तो उसको आप ये कहो कि बीजेपी इसमें राजनीति करती है, ये तो गलत बात है। तो बढ़ते आगे, चुनाव में होने वाली धांधली और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन के जरिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें खास तौर पर मीडिया कर्मियों को जानकारी उपलब्ध करवाई गई ताकि वे अपनी कलम और चैनल के माध्यम से जागरूकता ला सकें। यमुनानगर जिला सचिवालय में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का सफल परीक्षण मास्टर ट्रेनर की निगरानी में किया गया, जिसमें चुनाव के समय मतदाता के किस व्यक्ति को अपना मत दिया वे साफ तौर पर पता चल सके। और मशीन में खास तौर पर मतदाता अपनी वोट के लिए बटन दबाएगा और जिस भी बटन को दबाएगा वो बजर के माध्यम से मशीन में साफ दिखाई देगा। तो वहीं बटन दबाने पर मशीन में ही एक पर्ची निकलेगी जो अंदर ही सेव होगी और मतदान करना बेहद आसान होगा, जिससे चुनाव आयोग और मतदाता दोनों को ही इसका सीधा लाभ मिलेगा। हम लोग इस वीवीपैट जो नई मशीन जो आ रही है उसके बारे में अवेयर कर रहे हैं कि ये मशीन क्या है और कैसे काम करती है, ताकि सब में ये पहुंच सके कि ये नई मशीन एक बहुत बेहतरीन मशीन है, जिसमें कि वोटर को ये सुविधा होती है कि वो अपनी वोट देख सकता है कि जिसको मैंने वोट डाली उसको भी। कई बार आ रही है इलेक्शंस में, लेकिन पहले पिछले गए चुनावों में जैसे जो हुए हैं उनमें स्टेट्स में टीम में अभी जो हुआ उसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले कुछ लोग ये सवाल उठाते थे कि मैंने वोट डाली वो किसी और को दे, तो वो अब वो ऐसा नहीं होगा। वो वोटर जिसको वोट डाल रहा है, यहाँ ये देख सकते हैं, यहाँ पर स्लिप देख सकता है कि जिसको वोट डाली उसके सिंबल कैंडिडेट का नाम आया। तो सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जींद की जनता दिग्विजय के रूप में अगले 50 साल के लिए अपना भविष्य चुनेगी और भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज करते हुए दिग्विजय चौटाला विधानसभा में पहुंचेंगे। सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी और बीजेपी बीच सीधा मुकाबला होगा। उन्होंने कहा कि जींद अगले 50 साल के लिए दिग्विजय चौटाला में अपना भविष्य देख रहा है और बड़े अंतर से दिग्विजय की जीत होगी। देखिए, आज जींद का चुनाव सीधी टक्कर जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि आज वो सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। कल भी बहुत सी ऐसी गाड़ियां थी जिन पे केवल मात्र पोस्टर लगे हुए थे और उनको भी चलान करने का काम किया। एक हमारा साथी है प्रकाश, जिसने चौधरी देवीलाल के देहांत के बाद से आज तक अपने मोटरसाइकिल पर चौधरी देवीलाल की रागणियां चलाने का काम किया, उसके भी मोटरसाइकिल को इम्पाउंड करने का काम किया। ये स्पष्ट दिखाता है कि आज सरकार घबराहट में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की शुरुआत कर चुकी है। सुंदरी मुंदरी होए तेरा कौन विचारा होए, धूला पट्टी वाला होए, इन पंक्तियों का लोहड़ी के पर्व पर विशेष महत्व है और लोग इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। तो वहीं यमुनानगर में भी लोहड़ी के त्योहार को लेकर बाजार सजे हुए हैं, जहां मूंगफली रेवड़ी और गजक की दुकानें सजी हुई हैं। तो वहीं लोग खरीदारी करने के लिए बाजारों में निकले हुए हैं। इस त्योहार को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं और उत्तर भारत में किसी के घर शादी हो या कोई घर जिसमें बच्चे ने जन्म लिया हो उस घर में रात को लोहड़ी जलाई जाती है, तो वहीं नई नवेले दुल्हन दूल्हा दुल्हन से लोग इन पंक्तियों को गाते हुए लोहड़ी मांगते हैं। साथ ही माघी से एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है और पंजाब इस त्योहार को बहुत ही उत्साह से रात को ढोल नगाड़े के साथ भंगड़ा करते हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हैं। मैं रूपम शर्मा, लोहड़ी का त्यौहार जो कि 13 जनवरी को हर साल मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से,
ये त्यौहार मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है और ये त्यौहार उत्तर भारत का प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है। इस त्यौहार में लोग नवविवाहित जोड़े को हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए भी अपने घर में खूब उत्सव रखते हैं और किसी बच्चे का जन्म हुआ हो तब भी ये लोहड़ी का त्यौहार उन घरों में मनाया जाता है। इस त्यौहार वाले दिन हर तरफ ढोल नगाड़ों की खूब गूंज सुनाई देती है और पंजाब में ये कथा भी प्रचलित है कि दुल्ला भट्टी वाला और सुंदर मुंदरी की कथा, जो कि आप सब लोग गीत में भी सुनाई देती है आपको कि सुंदर मुंदरी ये हो दुल्ला भट्टी वाला, ये नाम जो है ये भी एक कथा है पंजाब की। पंजाब में दुल्ला भट्टी वाला नाम का एक डाकू हुआ करता था जो कि लूट पाट करके गरीब लोगों में वो धन बांट देता था। एक बार की बात है कि सुंदर मुंदरी नाम की दो बहनें थीं, उनको उनके चाचा ने जमींदार के यहाँ भेज दिया और वो बहनें उनकी मदद करने के लिए दुल्ला भट्टी वाला ने उनकी मदद की, उनको वहाँ से छुड़ाया और उनका विवाह करवाया, अग्नि जला करके उनके फेरे करवाए और विदाई में सवा शेर शक्कर दे करके उनकी विदाई की। अम्बाला के गांव बलाना में इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम संचालक पर फायरिंग कर उससे 10 लाख रुपए मांगने के मामले में दो आरोपियों को CIA फतेहाबाद ने काबू कर लिया है। जी हां, दोनों भूना से शुगर मिल के पास प्रयास कर रहे थे और पकड़े गए दोनों आरोपी जींद के आशु गैंग के सदस्य हैं। तो वहीं मामले की जानकारी देते हुए CIA के केस इंचार्ज साधुराम ने बताया कि टीम भूना क्षेत्र में गश्त कर रही थी और जब टीम भूना ने शुगर मिल के पास पहुंची तो बाइक लेकर खड़े दो युवकों ने गाड़ी रुकवाई और लूटने का प्रयास किया। तो तभी गाड़ी में पुलिस टीम देखकर दोनों ने भागने का प्रयास किया लेकिन टीम ने पीछा कर दोनों पकड़ लिए। साथ ही आपको बता दें कि जांच के दौरान दोनों के पास से अलग अलग 12 बोर की पिस्तल और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। CIA स्टाफ फतेहाबाद की टीम भूना गश्त पर थी तो उसी दौरान उन्होंने सूचना मिली कि दो बदमाश हैं जो भूना गैंग के सदस्य हैं, वो किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए है भूना से कुला रोड पर खड़े हैं और आने जाने वाले उनको लूटने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी CIA की टीम ने अपनी टीम गठित करके सभ्य तरीका से वहाँ मौके पर रेड किया। उन्होंने एकदम हमारी सरकारी गाड़ी जिसकी बत्ती उतारी हुई थी उसके आगे अपना मोटरसाइकिल उन्होंने आगे एकदम अड़ाकर रोक दिया और उन्होंने लूटने का प्रयास किया। हिसार तिराहा स्थित शिव नंदशाला समिति की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर एक अनोखी मुहिम नंदी आपके द्वार शुरू की गई है जिसके तहत समिति की ओर से नंदी को सजाकर घर घर भेजा जा रहा है जिसको लोग खूब सराहना कर रहे हैं। इस दौरान लोग नंदी की रेहड़ी में खाने के लिए गुड़, बची हुई हरी सब्जियां, आटा और बची रोटियां लेकर आएगा जिसे यहाँ रहने वाले हजारों गायों और बच्चियों को खिलाया जाएगा। नंदी महाराज आपके द्वार नंदीशाला टोहाना की एक ऐसी अनूठी मुहिम जिसके द्वारा नंदी महाराज जो बेजुबान गोवंश हैं, बेसहारा गोवंश हैं, इनको एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए नंदीशाला टोहाना ने नंदी को सुसज्जित कर हमने मोहल्लों में शहर के अंदर भेजा है ताकि वो स्वयं के लिए दान मांग कर लेकर आए, जिसके अंदर शहर के लोग आटा है, गुड़ है या अन्य प्रकार की और कोई सामग्री है, घरों के अंदर जैसे सब्जियों के छिलके होते हैं, फलों के छिलके होते हैं, वो छिलके भी एक रेहड़ी के अंदर डालेंगे। नंदी महाराज स्वयं दरवाजे पर जा रहा है लोगों के और वो अपने लिए और अपने गोवंशों के लिए दान मांग लेकर आ रहा है। तो रविवार की सुबह बहादुरगढ़ के लोगों के लिए फन और मौज मस्ती की सुबह बन गई। राहगीरी की पहली वर्षगांठ बहादुरगढ़ में जो मनाई गई, राहगीरी के मौके पर हरियाणा के फेमस रैपर गायक MD और KD जमकर समा बांधा। MD और KD के गानों को सुनकर हर उम्र के लोगों ने उनके साथ जमकर हरियाणवी किलकी और तालियां भी बजाई। इससे पहले DC सोनल गोयल और SP पंकज नैन ने राहगीरी की पहली वर्षगांठ का केक काटा था। राहगीरी का मकसद भी यही है कि एक दिन आम जन मानस अपनी सभी पीड़ाओं और चिंताओं से मुक्त होकर खुलकर हंसे, खेले कूदे और डांस करे ताकि खुशी के ये पल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें।
केंद्र व राज्य की भाजपा सरकारों ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए पूरे देश में जात पात और धर्म के नाम पर विभाजन का खेल खेलना शुरू कर दिया है और जनता को इन भावनात्मक मुद्दों पर गुमराह करना चाहते हैं और देश की जनता भाजपा को उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगी। दरअसल कांग्रेस के शासनकाल में चौशाम क्षेत्र के सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब सरकार ने इस क्षेत्र में समूचे भिवानी जिले में नहरी पानी उपलब्ध करवाना बंद कर दिया है। कांग्रेस सरकार पुनः सत्ता में आने पर इस भेदभाव को दूर करेगी और पूरे प्रदेश में पानी का समान बांट कर किया जाएगा। जो है ना दिल खिले रहे और सारी मनोकामनाएं पूरी हो, आगे हमारा इलाके का विकास हो, हमारे बच्चे आगे बढ़े और जो है चौधर अपने हाथ में आओ, ठीक है। तो मुझे पता चला पानी की बड़ी किल्लत है तुम्हारी, पानी की बड़ी किल्लत है, यहाँ पानी खारा आ रहा है। ये हो क्या गया है कि इन्होंने भिवानी का जो पानी है, नहरी पानी, हमारा भिवानी के हिस्से का नहरी पानी बहुत सारा काट दिया इन्होंने। इसका कारण ये है कि आज जो है नहरों के अंदर पानी नहीं है और जो ये मैंने टिक्की बनाई थी उसके अंदर भी खारा निकल रहा है ना, सारा का सारा खारा आ रहा है। तो भाई अब सरकार सामने आंधी दिख रही है, वो कहते हैं ना अंधेरी रात दूर होने जा रही है, इनका समय पूरा हो गया और 3 महीने के भीतर भीतर 4 महीने के भीतर भीतर सरकार जो है की जा लेगी। उत्तर प्रदेश ने मायावती और अखिलेश का गठबंधन अवसरवादी गठबंधन है, ये गठबंधन कभी जनहित नहीं कर सकते। यह बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने टोहाना में पत्रकारों से बातचीत में कही। विधायक ने मानव सेवा संगम परिसर में ब्लड बैंक का शुभारंभ किया तथा प्रजापति ब्रह्म कुमारी द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जींद उपचुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निगम चुनाव की तरह भाजपा सरकार करवाए गए विकास कार्यों के दम पर जीत दर्ज करेगी और बराला ने कहा कि भाजपा के सभी सांसद विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री जींद चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। लैब से काम शुरू किया था और आज इतना बड़ा हॉस्पिटल और इसमें सब तरह की सुविधाएं, और कमी अगर यहाँ पर थी तो ब्लड बैंक की कमी थी। आज यहाँ पर ब्लड बैंक की विधिवत शुरुआत हो रही है। सबसे पहले मैं संस्था के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम जिसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। टोहाना के बहुत सारे नौजवानों ने मिलकर के, यहाँ के नागरिकों ने मिलकर के सालों साल से इस संस्था को बड़ा किया है, खड़ा किया है। तो बढ़ते आगे, घरौंडा के दहा गाँव में SAB सीमन बैंक के नाम से बने फार्म हाउस पर भीम नामक भैंसा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 6 फीट ऊंचा, 14 फुट लंबा और 12 क्विंटल से अधिक वजन, स्किन पतली और शाहकाली, ये है जोधपुर राजस्थान का भीम भैंसा जिसकी मां 27 किलो 200 ग्राम दूध रोजाना देती थी। ये भैंसा पुष्कर मेले में ब्यूटी व ब्रीड चैंपियन रहा, साथ ही मेले में यह भैंसा सभी के आकर्षण का केंद्र रहा था। इसने प्रसिद्ध भैंसे युवराज को भी अपने आकर्षण से पीछे कर दिया था। बता दें कि राजस्थान के इस भैंसे की देखरेख के लिए 4 व्यक्ति रहते हैं और जिसमें 2 वेटनरी डॉक्टर अचला राम गहलोत और भवर लाल तांडी, साथ ही हेल्पर पवन यादव और KP यादव हैं। भैंसों के मालिक अजीत जांगड़ बताते हैं कि इस भीम को वो अपने परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं। जो लैब का सेटअप है वो बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात इनका जो फिलिंग का प्रोसेस है, इनकी पैकिंग का प्रोसेस है, इनकी फ्रीजिंग का प्रोसेस है, वो बेटर है और यहाँ भी किसी पशुपालक के साथ धोखाधड़ी वाला मामला नहीं है। कोई भी पशुपालक आराम से अपने बूल को ला के सीमन फिलिंग करवा सकता है जी। और सीमन फिलिंग करवाने के लिए जो बेटर इक्विपमेंट्स है, बेटर मशीनरी है और बेटर जो स्टरलाइजेशन वगैरह है वो यहाँ का बेटर है। भीम जोधपुर का एक फार्मर का बुल है जी, फार्मर भी नहीं कह सकते हम, एक बहुत ही सोंकी इंसान, जो बहुत जुनूनी इंसान, उसका ये बुल है। देखभाल के लिए वो 3 रात से मेरे पास ही थे अभी फार्म पे, एक मस्ट मतलब लेवल के स्टेज पे वो आदमी नौकरी करते हैं, उसके बाद भी 4 दिन से फार्म पे रह रहे थे और 4 आदमी उसने इसके बुल के साथ लगा रखे हैं जी, 2 डॉक्टर और एक हेल्पर और एक अपना कजिन ब्रदर। क्या क्या खुराक है इसकी? इसकी खुराक में सोयाबीन, गेहूं का दलिया, मक्की का दलिया, चने का छिलका और जो आचाराम अपने पशु। तो इस वक्त के बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।